बॉक्स के अंदर है 17 अंडरवेयर। सॉरी इस बार भाई हम रूपा से लेकर स्वरूपा तक देखने वाले हैं और देखेंगे कि इन सारे ब्रांड्स में से सबसे बेस्ट अंडरवेयर बजट में कौन बना रहा है। भाई सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहे भाई लक्स कोजी से, क्योंकि अब ये अंदर की नहीं बल्कि सस्ते की बात है। एक साथ अनबॉक्स करेंगे 3 अंडरवेयर। पैकेजिंग में कोई इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, सिर्फ लिखा हुआ है 100% कॉटन। बड़ा बड़े से निकालते हैं और 1, 2 सेम पैटर्न एंड 3। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फैब्रिक की बात करें ना, डेफिनेटली वो कॉटन आपको फील होगा। प्रिंटिंग आप जैसी भी है वो देख लोगे बीरोल के थ्रू। लास्टिक अगर मेनली बात करें, थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा मोटा सा फील होता है और सामने लाते साथ ना इसमें वो बलून के रबर जैसी स्मेल आ रही है, I don't know why। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा फ्रेश, बहुत ज्यादा प्रीमियम तो बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। लेकिन जिस प्राइस में आता है ना भाई, ये तीनों ट्रंक्स मुझे 350 रुपए के आसपास में पड़े हैं, लगभग 120-130 रुपए का एक, क्योंकि इसे सुपर डुपर अफोर्डेबल बनाता है। अंदर में आपको लक्स-कोज़ी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इसका नाम है बिग शॉट। ऑल्दो अगर प्रिंट्स की भी बात करें ना, तो वैसा कुछ बहुत खूबसूरत सा या अट्रैक्टिव प्रिंट इन्होंने नहीं दिया, वो एक सीमलेस सा पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। सीधी बात है, बजट में चाहिए तो भाई बेस्ट है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा रूपा स्वरूपा। इस तरह की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। लक्स-कोज़ी की पैकेजिंग से ना काफी हद तक अच्छी और प्रीमियम लग रही है। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है 360 रुपए। फटाफट निकालते और अंदर में आपको 2 ट्रंक्स देखने को मिल जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता अंडरवेयर के 3 टाइप्स होते हैं मेंस की कैटेगरी में, ब्रीफ, ट्रंक एंड बॉक्सर्स। फटाफट निकालते हैं दोनों को। एक आपको मिलेगा भाई मरून कलर और एक आपको मिलेगा ब्लैक कलर। भाई गलती से हमने 95 मंगा लिया, मेरा साइज 85 है। जब पहनूंगा तब देखकर हंस सकते हो। अच्छा प्लास्टिक की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्लोज टू प्रीमियम भी फील नहीं होता। काफी ना मोटा साइज का प्लास्टिक होता है, लंबा बहुत चलता है। फैब्रिक पूरा आपको कॉटन का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको सुसु पॉकेट देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी जो लेंथ या ओवरऑल डिजाइनिंग या फिटिंग है, वो सारी चीजें ना एक नजर में देखने से थोड़ी सी अंकल चचा टाइप फील होती है, इतना ना स्टाइलिश नहीं लगता। ये 2 ट्रंक्स आपको 300 रुपए में मिल जाएंगे, यानी 150 रुपए। नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास और ब्रांड का नाम है भाई XYXX। ये थोड़ा सा नया ब्रांड है इंडस्ट्री में, लेकिन काफी हद तक अच्छा काम कर रहा है। Also, this video is not sponsored by any brand. हम पूरा पैसा खर्च करते हैं आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। अगर सही जेन्युइन अच्छे रिव्यूज के साथ प्रोडक्ट खरीदने हैं, हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। पैकेजिंग इनकी काफी ज्यादा सिंपल है, कोई भी बॉक्स वॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी हमने मंगाया है पैक ऑफ 2, ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर। लेकिन पकड़ते साथ ना भाई एक बहुत मेजर जंप दिख रहा है क्वालिटी में। फर्स्टली अगर इसके इलास्टिक की बात करें, काफी ज्यादा पतली है, स्मूथ है और अंदर के तरफ से भी ना एक हल्का सा फर जैसा मटेरियल आपको फील होगा, यानी कमर में काफी आरामदायक लगता है। XYXX का ऊपर में आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। इलास्टिक में और कोई भी ब्रांडिंग नहीं की गई है और चारों तरफ भी ना बड़ा ही सिंपल रखा गया है। पूरा फैब्रिक आपको कॉटन का देखने को मिलता है, हल्का हल्का स्ट्रेच होता है, यानी डेफिनेटली इसमें स्पेंडेक्स या कुछ ऐसा। यस, यहाँ पर आपको सुपर कॉम कॉटन एंड स्पेंडेक्स का ब्लेंड देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली क्या रेशियो है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा ना स्टाइलिश प्रोडक्ट दिख रहा है। साइड में यहाँ पर सिल्वर क्यों लिखा गया वो नहीं पता, मे बी इसके मॉडल का नाम होगा। ये 2 अंडरवेयर आपको 400 रुपए में देखने को मिल जाएंगे और काफी हद तक ना अच्छी क्वालिटी है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है डिक्सी स्क्वाट। थोड़ा सा फंबल हो रहा है मेरा मुंह। प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 490 रुपए, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एग्जैक्ट हम आपको बताएंगे। हमने जानबूझ करते को पैक ऑफ 2 इसलिए मंगाया ना, क्योंकि अब एक एक अंडरवेयर कोई खरीदता नहीं है। यूजुअली मैं या बहुत सारे लोग 1-2 एक साथ खरीदते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रेश, स्टैक, फ्लेक्सी, मैक्स, मैक्सी, ड्राई। क्या कर रहा है भाई, नहीं मतलब XYXX के तो थोड़ा सा नीचे में कहूंगा स्टाइलिंग के मामले में। प्लास्टिक की बात करें, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। डिक्सी स्क्वाट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और उसके बैक में भी ना निटिंग के थ्रू ब्रांडिंग की गई है। अंदर की तरफ आपको कोई सॉफ्ट फैब्रिक नहीं देखने को मिलता। मेनली अगर इसके फैब्रिक की बात करें, ओवरऑल इसमें आपको 95% कॉटन एंड 5% स्पेंडेक्स का ब्लेंड देखने को मिलेगा। कॉटन आपको हल्का हल्का फील करवाएगा, एरी फील करवाएगा और स्पेंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, यानी जब आप स्ट्रेच हो गए लल्ला बैलेट डांस करोगे ऐसे वैसे, तो आपका अंडरवेयर भी साथ ही साथ एडजस्ट होते रहेगा। फर्स्ट अगर कलर की बात करें तो ब्लैक एंड ग्रे कलर का वो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। साइड साइड में आपको ग्रे पट्टियां दी गई है और उसके साइड में आपको एक व्हाइट कलर की पाइपिंग देखने को मिलेगी। दूसरे में ऑपोजिट है, पूरा लाल कलर का चड्डी है और साइड साइड में आपको नेवी ब्लू कलर देखने को मिल जाएंगे विद द ग्रे कलर की पाइपिंग। ओवरऑल डिजाइन के मामले में थोड़ा सा फीका लगता है, प्राइस के मामले में थोड़ा सा इंप्लीमेंट है। यहाँ पर 500 के अंदर में आपको 2 मिलेगा, यानी 250 रुपए के आसपास। एंड सच बताओ 250 रुपए में आपको अदर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वेट करो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, एक बहुत बेहतरीन ब्रांड US पोलो का चड्डी। फटाफट निकालते हैं, प्राइसिंग 298। लोग क्या सोचते हैं ना भाई US पोलो
डिवाइस बहुत ज्यादा होगा, 5,000 एक अंडरवेयर का ले लेंगे। ऐसा नहीं होता ब्रो, जाकर चेक तो करो। फर्स्ट अंडरवेयर की बात करें, ये भी पैक ऑफ टू है। थोड़ा सा डीप ब्लू कलर आपको नीचे देखने को मिलेगा, नेवी ब्लू कलर का आपको लास्टिंग मिल जाएगा, यूएस पोलो की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। सिंस 1890 हर जगह छाप देना है अपना हिस्ट्री। ठीक उसके नीचे में आपको एक यूएस पोलो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी, काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। दूसरे अंडरवेयर की बात करें, अंडरवेयर में स्टाइलिश होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। डार्क ऑलिव ग्रीन कलर आपको पूरी बॉडी मिलेगी, व्हाइट कलर का स्ट्रिप देखने को मिलता है विद द सेम ब्रांडिंग एंड डिजाइनिंग। लास्टिक अगर क्वालिटी की बात करें, पतली है, सॉफ्ट है, हमने इसके मॉडल्स पहले भी रिव्यू किए हुए हैं, पहने हुए तो हम क्वालिटी जानते हैं, अच्छी होती है। 100% कॉटन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हल्का हल्का ना ये स्ट्रेच हो रहा है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ब्लेंड होगा ही होगा। 560 रुपए में आपको पैक ऑफ टू देखने को मिलेगा, और मैं कहूंगा एक बहुत ज्यादा अच्छी डील है, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड मिल रहा है, एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। 250 से ना भाई बस 30 रुपए ही आगे बढ़ रहे हैं। देखो यूजुअली ब्रांड का फर्क क्या होता है ना, कि जब भी थोड़ा सा मान लो शर्ट उठ गया या कहीं पर आपको पैंट खोलने की जरूरत है, जो भी सिचुएशंस होते हैं, तो वहां पर अगर आप एक अच्छे ब्रांड का गुड स्टाइलिश जैसा अंडरवेयर पहनोगे ना, एक अच्छा इंप्रेशन जमता है आसपास में, लोग इतनी बात नहीं करते लेकिन ये होता है, तो इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। ऑलराइट नेक्स्ट हमारा ब्रांड आ गया भाई जॉकी, घर घर में घुसा हुआ ये जो ब्रांड है ना, मतलब इंडिया की अगर इनर वेयर कैटेगरी की बात करें ना, तो आप इसे किंग समझ सकते हो, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा काम करती है कंपनी। यहाँ पर फ्रेंड आपको जॉकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बॉक्सर ब्रीफ यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी थोड़ा सा ना बड़ा साइज का। देखो ट्रंक्स भी क्या होते हैं ना, अलग अलग साइजेस के होते हैं। जॉकी के प्रोडक्ट्स पकड़ने से ना थोड़ी मजबूती सी ज्यादा फील होती है मुझे। पूरा ब्लैक कलर का अंडरवेयर है, ग्रे कलर का आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा, काफी सॉफ्ट है, अंदर के तरफ का भी जो फैब्रिक है ना बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है। और फ्रेंड आपको जॉकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, अंदर में आपको जॉकी की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पर यूज हुआ है 100% कॉम्ब्ड कॉटन, बेसिकली कॉटन ही है, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में ज्यादा है। एक चीज मुझे अच्छी क्या लगी कि इस अंडरवेयर के एंड में भी देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको एक पट्टियां देखने को मिलेगी, ये एक ना खूबसूरत सा लुक क्रिएट करती है, और थाइस को ना अपने पकड़ के रखती है, अच्छा लगता है देखने में। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, लेकिन ये आपको 300 रुपए का एक देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं एक और जॉकी का प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो कि इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और उससे ना कंपेयर करेंगे इसको कि क्या सच में कोई डिफरेंस है या बस दिखावे का पैसा है। नेक्स्ट प्राइस में ऊपर बढ़ते हुए भाई हम आ गए हैं एक और नए ब्रांड में, ब्रांड का नाम है वैन ह्यूजन, और ये एक्टिव सीरीज का पार्ट है, और बैक में इसकी प्राइसिंग है 389। एग्जैक्ट प्राइस आपको दिल खुश कर देगी, अंदर आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रोडक्ट देखने से ना भाई एक डिफरेंस फील होता है। लिटरली मैं आपको अभी बीरोल में दिखा रहा, एक तरफ वैन ह्यूजन और एक तरफ वो रूपा वाला प्रोडक्ट, आपको बिना छुए ना वो डिजाइनिंग में ना बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। प्लास्टिक की क्वालिटी अगेन बहुत ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है, एकदम ऐसा लंबा ताना ऐसा टू से छोड़ो कहां जाएगा, दिखेगा भी ना, एस्ट्रोनॉट बन जाएगा आपका। स्ट्रिप पे आपको वैन ह्यूजन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, अंदर की तरफ आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा फैब्रिक फील होगा, नीचे की तरफ आपको ऑरेंज कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी बनाती है, और यही ऑरेंज कलर से यहाँ पर थ्रेड से भी डिजाइनिंग की गई है। मेनली अगर इसके बॉडी की बात करें, नीचे की तरफ आपको एक्टिव की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल से की गई है, और इसमें यूज हुआ है 95% कॉटन एंड 5% इलास्टीन, यानी अगेन स्ट्रेचेबल इसे बनाता है। सुपर डुपर स्टाइलिश है, सुपर डुपर कंफर्टेबल है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें देख लो। और पिछले वाली जॉकी से इसके लिए आपको महज 5 रुपया ज्यादा देना है, यानी ये 305 रुपए का। नेक्स्ट ब्रांड आ गया, मा गया रे। ऑलराइट नेक्स्ट ब्रांड आ गया हमारे पास में, वापस एक देख रहे हैं जॉकी का ट्रंक, बड़ा मजे से निकालते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है अल्ट्रा सॉफ्ट, नो राइडर, बहुत सारी चीजें जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट अगर इसके लास्टिक की बात करें, थोड़ी सी चौड़ी है जॉकी की, आपको बड़ी बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, तो बहुत ज्यादा बेसिक कलर इसमें यूज हुए हैं, डार्क ग्रे एंड ब्लैक कलर। साइड में आपको थोड़ी सी स्ट्रिप जैसी डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर की, और साइड साइड में एक मोटी मोटी पट्टियां भी देखने को मिलेगी ब्लैक कलर की। मेजर जितने भी अच्छे क्वालिटी के ट्रंक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि कहीं पे ना बीच में आपको स्टिचिंग्स जैसी चीजें नहीं देखने को मिलेगी, जो कि आपको इरिटेट करती है, पता है कहाँ पे? फैब्रिक की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको सुपर कॉम्ब्ड कॉटन के साथ इलास्टीन का मिक्स देखने को मिलेगा। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। सारे ट्रंक्स के साथ साथ अगर आपको ब्रीफ पहनना पसंद है, या पहनते हो, पसंद क्या होता है, पहनते हो, तो उसके ना अल्टरनेट ऑप्शंस भी मैं इसके लिंक के नीचे दे दिया करूंगा। पहले वाले अगर जॉकी से इस जॉकी को कंपेयर करें ना, तो महज देखो 20-30 रुपए का फर्क है, लेकिन क्वालिटी वाइज ना ये मुझे लगता है कि ज्यादा खरीदना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अंडरवेयर आता भाई लिवाइज की तरफ से, जींस तो सभी पहनता है, लेकिन जींस के अंदर भी तो कुछ पहनते हैं, तो उसके लिए भी लिवाइज ही होना चाहिए। लिवाइज पहना, फिर लिवाइज पहना, ऐसा होगा तब ना मजा आएगा। बात सही है। लिवाइज की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी, बैग में लिखा हुआ है 349 रुपए। देखो ये मैं आपको सच बताऊं तो हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं इसे, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वो इसलिए वापस से मंगा रहे हैं। फर्स्टली अगर देखोगे तो बहुत ही सिंपल सी इसकी डिजाइनिंग है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छी लगती है। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, रेडिश पिंकिश जैसा थोड़ा
थोड़ा दिखता है। डिवाइस के आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके इलास्टिक की जो सिलाई होती है ना वो एकदम ही सीमलेस सी होती है और बैक के तरफ से भी ना एकदम फील नहीं होगी आपको, इस तरह से ना इसे डिजाइन किया जाता है। इलास्टिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पतली अंदर से स्मूथ है। मेनली अगर इसके फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर यूज हुआ 95% कॉटन एंड 5% इलास्टीन। यही सारे कॉमन फैब्रिक्स है ना जो अंडरवेयर में यूज होते हैं। एक बहुत मेजर फैब्रिक है मॉडल नाम का, उसकी क्वालिटी ना काफी ज्यादा अच्छी होती है। बाकी अगर इसकी बात करिए पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। और याद रखो समय समय पर अंडरवेयर बदलते रहना चाहिए क्योंकि उसमें हो जाते हैं बैक्टीरिया। और समर आ रहा है, समर से पहले थोड़ा एक दो नए अंडरवेयर खरीद लेना ताकि हाइजीन रहे मेंटेन। ऑलराइट, नेक्स्ट ब्रांड है हमारा XYXX। बहुत ही सिंपल सी बेकार सी पैकेजिंग मुझे इनकी लगती है, थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था। नो हेट। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस। ये भी एक पैक ऑफ टू वाला अंडरवेयर है लेकिन इसका फैब्रिक ना हाई एंड 20 टाइम्स बेटर है जितना भी अब तक आपने देखा। फर्स्टली अगर इसके इलास्टिक की बात करें भाई, सिल्वर कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। XYXX की ब्रांडिंग मिल जाएगी, काफी अच्छा स्मूथ इलास्टिक है। अंदर की तरफ भी ना वो हल्का हल्का फर सा देखने को मिलेगा क्योंकि देखो कैमरे में ना कैप्चर सच बताओ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको वर्ड्स के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दो कलर देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक एंड थोड़ा सा सीमेंट टाइप का कलर है। और इसके जो सुसु पॉकेट की जो डिजाइन है ना वो थोड़ी सी अदर वाले से बहुत ही अलग है, फ्रंट पॉकेट इसको बोलते हैं। सबसे जबरदस्त बात यह है कि इसमें यूज हुआ है 92% मॉडल एंड 8% इलास्टीन। देखो मॉडल का जो एक्सपीरियंस है ना वो कॉटन से भाई बहुत ज्यादा अलग है। यूजुअली जितनी भी अंडरवेयर होंगे ना वो आपको कॉटन में ही बने हुए मिल जाएंगे। दूसरे वाले कलर की डिजाइनिंग कुछ इस तरह है जो कि अभी आप बीरोल के थ्रू देख रहे होंगे। इस पैक ऑफ टू की प्राइसिंग 800 रुपए के आसपास की है, डेफिनेटली वर्थ इट है अगर आपके लिए कंफर्ट मेन प्रायोरिटी है। नेक्स्ट इन द लास्ट ब्रांड है भाई हमारा बमर। शार्क टैंक में आया था, बवाल मचा दिया। प्राइसिंग है इसकी 599, कितना में मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसकी पैकेजिंग भी ना मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता भाई सेव भुजिया करता है। 2x ब्रीदेबल, 3x सॉफ्टर एंड 100x मोर फन। इसमें फन क्या होता भाई, क्या बच्चों वाली पैकेजिंग है भाई। ठीक है, अपना वाइव है ब्रांड का अलग। लुक एट दिस, शंदा मामा जरूर खे हुआ फका जरूर खे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इलास्टिक की बात करें बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट है, पतली है। पतला होने से क्या होता है ना, ये आपको एक ना प्रेशर सा यहाँ पर फील नहीं होगा। ऊपर में आपको हल्की सी पतली सी लाइनिंग देखने को मिलेगी जो की ब्रांड के कलर से मैच करती है। बाकी अगर इसके मेन फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रॉकेट, स्टार, शंदा मामा और क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा। मेनली अगर फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 92% माइक्रो मॉडल 8% इलास्टीन, लेकिन यहाँ पर है एक प्रिंटेड डिजाइन। अगर आपको ऐसे प्रिंट्स पहनना पसंद है अंडरवेयर में तो डेफिनेटली जा सकते हो। अगर ये एक्सक्लूसिव वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें टेलीग्राम में जाकर फॉलो कर लीजिए अमेजिंग अमेजिंग रील्स पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।